मैगी और अंडे का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गैस ऑन करके एक पैन में हम 1 कप के करीब पानी गर्म करेंगे। पानी में उबाल आने का वेट करें। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 पैकेट ये मैगी नूडल। तो मैंने यहाँ पे मैगी का यूज़ किया है, आप चाहे तो यप्पी या कोई और भी ब्रांड का नूडल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नूडल तोड़ के इसमें डाल दें और उसके बाद हम इसमें ये टेस्ट मेकर डाल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ऐसे मिला के आप इसे छोड़ दें ताकि मैगी जो है वो पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी मैगी जो है वो बन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। तो हम इसे रख देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। तो यहाँ पे इस बोल में डाल दें आप इसे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ डाल देंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे बीन्स कटा हुआ रखा है, आप इसकी जगह शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज, गाजर और टमाटर लिया है मैंने। सब्जियाँ जो आपको पसंद है वो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। तो यहाँ पे मैं ये गाजर और टमाटर डाल देती हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ा कलरफुल लगे और टेस्ट में भी अच्छा लगे। फिर हम इसमें 2 अंडे फोड़ के डाल देंगे। तो 1 पैकेट नूडल के लिए 2 अंडे यूज़ करें। अगर आपको अंडे का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 3 अंडे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडा डाल दिया मैंने। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसके बाद इसमें हरी मिर्च या फिर 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दें। चिली फ्लेक्स से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप इसकी जगह हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिला देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके यहाँ पे एक तवा गर्म होने के लिए रखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल देंगे। तो यहाँ पर सर्विंग स्पून से 1 सर्विंग स्पून एक साइड में डालें, अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। और इसके बाद और 1 सर्विंग स्पून यहाँ पे दूसरे साइड में डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे 2 मैगी ऑमलेट एक साथ बनाऊँगी, आप चाहे तो एक बड़ा बनाए या फिर छोटे छोटे 4 बना लें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट पकाएंगी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखे। 1 मिनट बाद हम इसे ऐसे पलट देंगे और यहाँ पर दूसरे वाले ऑमलेट को भी आप पलट दें। उप्स, कोई बात नहीं, हो जाएगा सीधा। अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे दोनों साइड से। नॉर्मली अंडे का ऑमलेट बनाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन हमने इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं प्लस मैगी नूडल यूज़ किया है, जिसकी वजह से नॉर्मल ऑमलेट से हम इसे दोगुना टाइम में पकाएंगे। तो यहाँ पे दोनों अच्छे से पक गया है, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। 1 10 रुपये वाली मैगी और 2 अंडे से आप ऐसे 4 पैनकेक या ऑमलेट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना फ्लफी लग रहा है और टेस्ट तो पूछिए ही मत। हमने इसमें मैगी यूज़ किया है जो सबका फेवरेट होता है, प्लस इसमें अंडे और थोड़े वेजीज यूज़ किए हैं, चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन आएंगे टेस्ट के। तो आप इस अंडे वाली मैगी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।